साथियों, अब से कुछ महीने बाद ही आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे, अपने आगे के जीवन को और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी, फील्ड के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना ही होगा। और मेरी ये बात आप जीवन भर याद रखिएगा कि फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक जीवन होता है। उस जीवन के कुछ सपने होते हैं, उस जीवन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उस जीवन के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, चुनौतियां होती हैं। और इसलिए आपको नंबर के लिए नहीं, हर एक जीवन के लिए काम करना है। मैं आपके सामने मेरे मन की एक भावना और भी रखना चाहता हूं, और यह मंत्र आपको निर्णय लेने का साहस भी देगा, और इसे फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना भी कम होगी। साथियों, आप जहां भी जाएंगे आप में एक उत्साह होगा, उमंग होगा, कुछ नया करने का जज्बा होगा, बहुत कुछ होगा। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसको बदलूं, मैं उठा के पटक के दूं, सब कुछ होगा मन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसा मन में जब भी विचार आएगा हाँ ये ठीक नहीं है, बदला होना चाहिए, तो आप बरसों पहले की अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं दिखेगी, अनेकों नियम कायदे मिलेंगे जो आपको इरेलेवेंट लगते होंगे, पसंद नहीं आते होंगे, आपको लगता है ये सब बोझ है और वो सब गलत होगा। ऐसे मैं नहीं कहता, नहीं होगा। आपके पास पावर होगा तो मन करेगा नहीं ये करो, वो नहीं, देखना करो, फलाना नहीं, फलाना करो, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ कुछ पल सोच करके मैं एक रास्ता दिखाता हूं, उस पर चल सकते हैं क्या? एक सलाह मैं देना चाहता हूं, वो व्यवस्था क्यों बनी या वो नियम क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, किस साल में बना, तब के हालात क्या थे, फाइल के एक एक शब्द को, उस सिचुएशन को आप विजुलाइज कीजिए कि 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले क्यों बना होगा, उसके रूट कॉज को जरूर समझने की कोशिश कीजिए और फिर सोचिए उसका, यानी पूरी तरह स्टडी करिएगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा, कोई सोच होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी। इस बात की तह तक जाइएगा कि जब वो नियम बनाया गया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी। जब आप अध्ययन करेंगे, किसी समस्या के रूट कॉज तक जाएंगे, तो फिर आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। हड़बड़ी में की हुई बातें तत्कालीन तो ठीक लगेगी लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेगी। और इन सारी चीजों की गहराई में जाने से आपका उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी पकड़ आ जाएगी। और इतना कुछ करने के बाद जब आपको निर्णय लेना हो तो फिर एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके निर्णय से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ होगा तो फिर आप उस निर्णय को लेने में संकोच मत करिएगा।
मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आप जो भी निर्णय करें, जो भी व्यवस्था परिवर्तन करें, ये पूरे भारत के संदर्भ में अवश्य सोचें, क्योंकि हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दिमाग में निर्णय भले लोकल होगा, लेकिन सपना समग्र देश का होगा।